हे बरी, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत चंगा। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। मेरे बारे में कुछ, माई सेल्फ धीरेन छेत्रपाल, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड। ठीक है, मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। IIT जैम रैंक दोस्त मेरी 694 है। ठीक है दोस्तों, आप के साथ आज शुरू करते हैं एक डिफरेंट टाइप की नेम रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज़ प्लान की हुई है, जो मेरी सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ का नाम है द नेम रिएक्शन सीरीज़। आपको सारी नेम रिएक्शन एक सीरीज़ में मिल जाएंगी, कितनी बेहतरीन बात है। आप और सारे रिएक्शन विद मैकेनिज्म के साथ मिलेंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। एक तरफ से एक घटा हो कि आपको नेम रिएक्शन का मिल जाना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने अपना कोशिश किया कि मैं आपको अच्छी से अच्छी रिएक्शन बता सकूं। इसी रिएक्शन के दौरान आज अपन लोग लॉन्च कर रहे हैं पार्ट 18 का। दोस्त, पार्ट 18 का लॉन्च होने का मतलब समझ रहे हो, पार्ट 1 से लेकर 17 मतलब 17 नेम रिएक्शंस मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। आप सोचो केमिस्ट्री में कितनी सारी नेम रिएक्शंस हैं और वो आपको एक साथ आपको मिल जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात होने वाली है। ठीक है, और आज इस नेम रिएक्शन का नाम है वैगनर मार्विन रीअरेंजमेंट। वैगनर मार्विन रीअरेंजमेंट, ठीक है, शॉर्टकट में WMR के नाम से इसको अपन लोग लिखेंगे। इसका स्टार्टअप कुछ इस तरह है कि जो अपन लोग कार्बोकटायन अभी तक बनाया करते थे, तो जो हमने कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट है, उसी टाइप का कुछ मैकेनिज्म है इसका। इसको साइंटिस्टों ने जब ऑब्जर्व किया था, तो ये ऑब्जर्व किया कि कार्बोकटायन को हम लोग और स्टेबल कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि यार 1 डिग्री कार्बोकटायन से ज़्यादा फिर 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकटायन होता है। तो जो रीअरेंजमेंट होता है कार्बन के 1 से कार्बन के 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, इसी माइग्रेशन, इसी रीअरेंजमेंट को अपन लोग बोलते हैं वैगनर मार्विन रीअरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले जो इसको ऑब्जर्व किया गया था, जो साइंटिस्टों ने इसको ऑब्जर्व किया, वो यहाँ पे नोटिस किया, एक आइसोबोर्नल नाम का स्पीशीज़ है, इसके साथ इनका रीअरेंजमेंट इन्होंने ऑब्जर्व किया। और आइसोबोर्नल के बाद कैम्फीन नाम का सब्सटेंस बना था। कैसे बना, क्या हुआ अंदर, ये अब अपन लोग देखेंगे, क्योंकि मैं पहली बार में अगर आपको ये बता दूंगा तो आपका पिक्चर अलग ही हो जाएगा, इसलिए मैं इसके बारे में बात आगे डेप्थ में करूंगा। बट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने जब इनको ऑब्जर्व किया, तो सबसे पहली रिएक्शन ये ऑब्जर्व में आई थी उनके, कि आइसोबोर्नल जो है वो कैम्फीन में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे ये रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है। बट अपन लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कहाँ से आया, कैसे आया, कब कब रीअरेंजमेंट आप ऑब्जर्व करोगे, कैसे कैसे रीअरेंजमेंट आप ऑब्जर्व करोगे, और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना है, जो मार्विन रीअरेंजमेंट है वो असल में कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन है। क्या याद है, याद रखिएगा, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन की तरफ का मूवमेंट दिखाना, या रिच को डेफिशिएंट की तरफ मूवमेंट दिखाना ही, रीअरेंज करना ही, माइग्रेट करना ही वैगनर मार्विन रीअरेंजमेंट होता है। दोस्तों, मैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ में बहुत सारे टाइप के रीअरेंजमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने आपको माइग्रेशन टुवर्ड ऑक्सीजन बताया है, माइग्रेशन टुवर्ड नाइट्रोजन बताया है, माइग्रेशन टुवर्ड सल्फर बताया है, माइग्रेशन टुवर्ड कार्बन एंड कार्बन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इसमें भी एक स्पेशल, चूंकि नाम के नाम से फेमस है वैगनर मार्विन रीअरेंजमेंट, इसलिए इसको अलग से अपन लोग देख रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप कुछ ऐसे समझिए कि दोस्त, आपके सामने सब्सट्रेट होता है, सबको पता है केमिस्ट्री में, बहुत कॉमन बात बोल रहा हूँ यार। उसके बाद आपका ये रीअरेंज रिएजेंट होता है, इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ स्पीशीज़ बनती है, इस स्पीशीज़ का रीअरेंजमेंट होता है, और इस रीअरेंजमेंट के बाद अपना एक नया सा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सबस्ट्रेट के तौर पर आप क्या क्या ले सकते हो, तो देखो, सबस्ट्रेट के तौर पर आप अल्कोहल ले सकते हो, सबस्ट्रेट के तौर पर आप अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, सबस्ट्रेट के तौर पर आप इथर ले सकते हो, सबस्ट्रेट के तौर पर आप अल्कीन ले सकते हो। ये सारे दोस्त तुम्हारे सबस्ट्रेट के तौर पर जाने जा सकते हैं। रिएजेंट जनरली आप रिएजेंट के नाम पे, अल्कोहल होता है तो आप एक्सप्रेस रिएजेंट लेते हो, अल्काइल हैलाइड होता है तो आप कोई भी लिस एसिड टाइप रिएजेंट ले सकते हो दोस्त। बहुत चलो के जैसे आपने ALX3 ले लिया, या FeX3 ले लिया, या SnCl4 टाइप ले लिया, आपके ऊपर है। ठीक है, इथर में भी आप जनरली एक्सप्रेस लेते हो,
और अल्किन में भी जनरली आप एच प्लस लेते हो रीअरेंजमेंट के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका रीअरेंजमेंट कहाँ से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, क्या क्या हुआ था, उनके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आखिरी में अपन लोग से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, हम देखेंगे कि इस रीअरेंजमेंट के एप्लीकेशंस कैसे हैं क्वेश्चन को टैगल करने में। ठीक है, ऑलरेडी अपन लोग ने मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंप्रेशन पढ़ चुका है, बस उसी को एक बार मार्विन के नज़रिए से देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। ठीक है दोस्त, सबसे पहले मान लो मेरे पास ये कोई 3 डिग्री का कंडीशन है और यहाँ पे CH2Br लगा है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यार तुम्हारे पास ना यहाँ पे OH- टाइप का एक न्यूक्लियोफाइल है और इसे इस Br को सब्स्टिट्यूट कराओ फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज्म। मैं मान के चल रहा हूँ कि SN1 मैकेनिज्म सबको आती होगी, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्त। तो हमको ये बात पता है कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ना अटैक टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, अपन को ये बात सभी को पता है, नो डाउट। तो आप कर कुछ नहीं करते हो, वही मार्विन रीअरेंजमेंट दिखाते हो कि आपके सामने कार्बोकैटायन बना दोगे। अब आपको पता है कि यार यहाँ पे आप तुरंत अटैक नहीं कराओगे क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इस रिएक्शन को जो ड्राइविंग फोर्स है, जो वैगनर मार्विन रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स है, वो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 को जाना और 2 से 3 को जाना, या अपन लोग रिंग एक्सपेंशन करते थे कि भाई 5 की रिंग 6 में बदल जाती है, या रिंग कंप्रेशन करते थे कि 7 की रिंग 6 में बदल जाती है। ये सब हम देख चुके हैं, बस एक बार इसको टच करते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है दोस्त यहाँ पे मैं 1.2 मिथाइल शिफ्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं दोस्त 1.2 मिथाइल शिफ्ट करूँगा तो मेरे हाथ में दोस्त ये मिथाइल ग्रुप यहाँ चला जाएगा, कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा, एंड समथिंग लाइक कुछ ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। नो डाउट दोस्त, पहले तेरे पास 1 अल्फ़ा थे, 1 डिग्री था और 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन था। ठीक है, जबकि यहाँ पे तेरे पास 3 डिग्री है और 3, 3, 6 और 2, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। हम सभी को पता है कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये है, तो आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो यही बात हमारे वैगनर मार्विन रीअरेंजमेंट के नाम से जानी जाती है। इसी को आप लिख सकते हो शॉर्टकट में, जैसे हम लोग शिफ्ट लिखते हैं ना, तो कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है WMR। तो समझ जाना वैगनर मार्विन रीअरेंजमेंट बोल रहा है करने को। बस ड्राइविंग फोर्स ही याद रखिएगा, हम लोग लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ जाते हैं। अब दोस्त इसके बाद चूंकि हम सब ये जानते हैं कि दोस्त हम बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं, बॉर्डर लाइन पे बैठने का मतलब आइदर अपन लोग सब्स्टिट्यूशन कराएंगे और आइदर अपन लोग एलिमिनेशन कराएंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी, अगर हम एलिमिनेशन कराते हैं तो डबल बॉन्ड दोस्त कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक तरफ H हो जाएगा, एक तरफ CH3 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कराते हैं दोस्त तो कार्बोकैटायन तुम्हारे यहाँ आके, मान के चल रहा ये जो OH है वो यहाँ आया और CH2CH3 बना। बहुत कॉमन सी बात है, कुछ नई बात मैंने बताई नहीं, इस बात को हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, बस इसको एक बार दोबारा से इनके नाम से देख रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से बातें जानते हो मेरे बच्चों। ठीक है, कुछ नया नहीं बताऊंगा इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको और आपको नहीं पता हो। ठीक है, उसी तरह जैसे आपको पता है कि मान लीजिए अगर सर ये 5 कार्बन की दे रखी है और आपसे बोल रहा है, थोड़ी देर के लिए आपसे बोलता है H प्लस एन हीट, तो आपको पता है कि सर डायरेक्टली E1 मैकेनिज्म लगनी है और डायरेक्टली ये अल्फा और बीटा तो नहीं तोड़ेंगे, है ना, ये बात हम सब जानते हैं इसमें दोस्त। तो आप इतना तो कर ही लोगे कि OH यहाँ ले आओ, H यहाँ ले आओ, यहाँ पे कार्बोकैटायन अपने आप आ जाएगा टूट ताट के दोस्त, यहाँ पे आपका CH2 आ जाएगा। इसके बाद आप चाहो तो अल्फा बीटा गामा करके जो हम लोग पीछे करते हुए आए हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ दोस्त, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ आपका एक इंटरेक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा और हम 5 की रिंग से 6 की रिंग की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एलिमिनेशन करना है तो आप बेखूबी करिए, आराम से इसका प्रोडक्ट बनाइए। तो दिस इज़ नथिंग, यहाँ से ये जो पूरा प्रोसेस टेक प्लेस हुआ, इसको अपन लोग शिफ्टिंग की हेल्प से बोलेंगे। हमने यहाँ से रिंग एक्सपेंशन किया और यहाँ पे WMR लगा दिया। ठीक है, नो डाउट मेरी बात समझ में आ रही होगी। बस
एक जो कॉमन मिस्टेक जो मेरे बच्चों से हो जाती है, मैं उसके बारे में एक बार डिस्कस करता हूँ। ये अगर आपके सामने है सिचुएशन, मान लो तुम्हारे सामने थोड़ी देर के लिए सी एच टू आई है और आपसे बोलता है कि यहाँ पे एक्वस केवच है, आपसे बोलता है कि यार आप इसको जो है प्रोडक्ट बनाओ, उसका प्रोडक्ट आपसे मांगेगा, तो नॉर्मली जनरली मिस्टेक हो क्या जाती है मैं आपको बताऊँ, फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज़्म। तो बच्चों से मिस्टेक क्या हो जाती है, वो क्या करते हैं, ये तीन लेते हैं और इस तीन वाले को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं चार में। आपसे रिक्वेस्ट है इसको गलती से भी ये गलती मत करिएगा, ये स्टेप गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। आप सभी को बहुत अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे डांसिंग ऑफ रेजोनेंस लग रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को डांसिंग ऑफ रेजोनेंस का कंसेप्ट पता है, अपन लोग ने पढ़ा है कि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बाहर निकले रहते हैं, ये ऐसे कुछ बाहर निकले रहते हैं, इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस ऑर्बिटल के थ्रू इसको शेयर करता है, याद हो ये बात। तो जहाँ जहाँ डांसिंग ऑफ रेजोनेंस होगी वो मेंबर यहाँ से यहाँ गलती से भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि दोस्त मैंने आपसे क्या कहा कि वेगनर मार्विन रिअरेंजमेंट का जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही है कि अपन लोग लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ जाएं। और अगर आप ऑलरेडी एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे हो तो यहाँ पे दोस्त नहीं जाना पसंद करोगे, ठीक है, इसलिए आप इस रिअरेंजमेंट से बचते हो या बचना है, ख्याल रखिएगा। तो ओवरऑल दोस्त जब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, जब दोस्त ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा और आपको यहाँ पे एक्वस केवच दे रखा होगा, लिखा होगा SN1 रिएक्शन, तो आप बिना कुछ सोचे CH2OH ले आ सकते हो, ठीक है, पसंद में आ रही है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे, इवन मैं आपको उल्टा बताता हूँ, अगर मान लो कभी सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ जाती है, ठीक है, मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है और आपसे बोलता है या इसको चलो हाँ चलो आपसे H+ दे देता है, या आपको लेट सपोज करो चलो यहाँ CL कर दे रहा हूँ आपके लिए आसान हो जाए, यहाँ पानी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज्म। तो अब आप क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल सा काम आप कर रहे हो कि कार्बोकैटायन यहाँ ला रहे हो, नो डाउट, तो कोशिश करो दोस्त यहाँ से कार्बोकैटायन से रिंग का कंप्रेशन करा दो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस चूंकि ये इस नेम रिएक्शन में आ रहा है इसलिए आपको दोबारा बताना पड़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्त आप बहुत अच्छे हो, इन सब मामलों में अच्छी तरह जानते हो कि ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है, ये गामा है, मैं अल्फ़ा और गामा की बॉन्ड चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्त मैं कुछ ऐसे पहुँचूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप भी यहाँ पहुँच जाओगे अपने आप। तो आप इसमें रिंग कंप्रेशन करके चार से तीन में आ रहे हो, क्योंकि आप बेखूबी जानते हो कि यहाँ पे इसको क्या मिल रही है, डांसिंग ऑफ रेजोनेंस मिल रही है मेरे दोस्त, क्योंकि डांसिंग ऑफ रेजोनेंस जो है इसको ये और मोर स्टेबल बना रही है, इसलिए कभी भी आप ऐसा काम नहीं करोगे कि इसको चार में जाके अटैक मार दो। इसलिए आप चार से कहाँ पे आ रहे हो, तीन की तरफ आ रहे हो। इसके बाद दोस्त कुछ नहीं करना, वही पानी का अटैक, वही खेला खाली खेल के अपने आप प्रोडक्ट बना लोगे। यू आर अमेजिंग गाइज, आप सब ये काम कर सकते हो। तो बचना है आपको, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि गलती से भी ये गलती मत कर बैठना, ठीक है। इसमें अगर तीन पे है तो तीन पे रहने देना, अगर चार वाला है तो कोशिश करो तीन पे ले आओ, ठीक है। एक बेसिक सा रूल बस हम आपको समझा देते हैं कि हमेशा जो है चार वाला तीन की तरफ जाएगा और सात वाला छः की तरफ जाएगा, ये हमारा रिंग के कंप्रेशन में आते हैं, हम देख चुके हैं इसको पहले यार बहुत बार, ठीक है। जबकि पाँच वाला छः में जाने की कोशिश करेगा, जब ऐसा होगा तो ये हमारा रिंग का एक्सपेंशन होगा। ऐसा हो सकता है कुछ बुक्स में लिखा हो कि चार वाले पाँच को भेजो, तो लेकिन आपकी चांसेस है, कोशिश होनी चाहिए कि चार वाला तीन में जाए और जाने के बाद को डांसिंग रेजोनेंस मिले। ऐसा नहीं कि आप चार को तीन में कन्वर्ट तो कर दिए, सर ने कह तो दिया था, लेकिन वहाँ पे सर ने ये भी कहा है कि डांसिंग रेजोनेंस मिलना चाहिए, अदरवाइज अगर बेकार है फिर तो आप चार में तीन लाके और या आप जो चार है उसको आप पाँच की जगह तीन में ले आ रहे हो, तो आप उसको कंप्रेस करके ख़राब ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप जब उसका शिफ्टिंग कराओगे तो ड्राइविंग फोर्स का सभी मेरे बच्चे ख्याल रखेंगे, तभी आपको ये रिएक्शन का समझ में आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पे जिन जिन जगहों पे आपको मौका मिलता है कि आप रिअरेंजमेंट कराओ दोस्त, तो आप उसके जगह मौका नहीं चूकना है आपने। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपके सामने है और यहाँ पे आपके पास OH है, ठीक है, या लेट्स सपोज करो चलो CL ले लेते हैं, ठीक है, और आपके सामने यहाँ पे पानी फिर से डाल देते हैं, तो आपको फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज्म फॉलो करनी है। सभी सभी मेरे बच्चों को पता है कि यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे ये CH2 का कार्बोकैटायन आएगा, इसमें बताने की कोई दोहराई नहीं है, बट इस बार आपको माइग्रेशन का ख्याल रखना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, माइग्रेशन चार तरह से होते हैं। ये भी हम पहले कभी ना कभी डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे अपन लोग माइग्रेट करके 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं दोस्त? हाइड्राइड शिफ्ट लगा रहे हैं, कार्बोकैटायन को स्टेबल बना रहे हैं, इसके बाद तुम पानी का अटैक करा देना। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, बहुत आसान वाली बात बोल रहा हूँ कि आप ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत बहुत जीनियस हो दोस्तों, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए और हम पहले बता चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। हाँ, एक बात पता होगी, एक बार फिर भी रिकॉल कर देते हैं कि जो हमारा माइग्रेशन का एप्टीट्यूड होता है वो होना चाहिए हाइड्रोजन का, मतलब H- का, फिर फिनाइल का और फिर अल्काइल का। ठीक है, ये माइग्रेशन एप्टीट्यूड आपको याद होना चाहिए कि H- जल्दी माइग्रेट करता है, फिर फिनाइल माइग्रेट करता है, फिर R माइग्रेट करता है। और इसमें भी अगर आपके पास फिनाइल में दोस्त एक आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है मान लीजिएगा, और एक आपके फिनाइल के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है और आपको माइग्रेशन करने के लिए कहता है, तो याद रखिएगा हमेशा माइग्रेट वो करता है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दोस्त इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए माइग्रेशन एप्टीट्यूड में इसका ज़्यादा माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप समझ पा रहे हो कि मैं किस टाइप के सवाल आपसे करवा रहा हूँ। ठीक है, सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, ये सब तो सिंपल लेवल था, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो उसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट की उम्मीद कर रहे होंगे। ठीक है, और इट्स समथिंग लाइक मान लीजिए मेरे सामने कुछ सवाल ऐसे आ जाता है, यहाँ पे भी CH5 दे देता है, यहाँ पे भी CH5 दे देता है, यहाँ पे CH2Br दे देता है, और यहाँ पे भी CH5 कह दूँ या इसको बेंजीन कह दूँ, थोड़ा स्वैग टाइप दिखता है दिखने में। और आइए आइए थोड़ा सा इसको और टफी कर देते हैं यार। यहाँ पे मैं लेट सपोज करिए OCH3 लगा देता हूँ पैरा पोजिशन पे इसके। ठीक है दोस्त, और आइए इसको और टफ कर देते हैं, यहाँ पे मैं N2 लगा देता हूँ। ठीक है, अब आपसे बोलता हूँ कि इसका जो है मुझे कार्बोकैटायनिक रिएजमेंट चाहिए, मैंने यहाँ पे OH- डाल दिया मान लीजिए। तो देखिए थोड़ा सा लॉजिक सोचना है बस, और कुछ नहीं है। एक तरफ प्योर बेंजीन रिंग है, एक तरफ बेंजीन पे OCH3 है, और एक तरफ बेंजीन पे दोस्त NO2 है, तो आपके पास कार्बोकैटायन दोस्त यहाँ पे है। अब यहाँ पे लॉजिकली आपने सोचना है कि माइग्रेट किसका कराओगे, बस यहीं पे गेम है। मैंने आपको बताया कि बेंजीन पे जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, आपको अच्छी तरह पता है कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है NO2, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, तो आप माइग्रेट एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग किसको माइग्रेट कराओगे? इस वाले को माइग्रेट कराओगे। ठीक है, जब आप इस वाले को माइग्रेट कराओगे दोस्तों, मैं सीधे अगले पेज पे इसका माइग्रेशन लिख देता हूँ। कार्बोकैटायन यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, नो डाउट, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाना है। CH2 यहाँ पे कार्बोकैटायन कर दिया मैंने, बगल में लिखा होता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे आपकी वही पुरानी अपनी बेंजीन,
और दोस्त यहाँ पे बेंजीन के साथ एन2 लगा लेंगे, ठीक है। नो डाउट आपको मेरी बात अच्छी तरह डेप्थ में समझ में आ रही होगी कि मैं आपसे क्या करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने माइग्रेट करके इसको और स्टेबल बना दिया है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर दिया है माइग्रेशन का ख्याल रखते हुए। अब इसके बाद तो बस तुम्हें दोस्त जो भी न्यूक्लियोफाइल वाइल होगा उसका अटैक मार के अपना प्रोडक्ट बना लेना। मैं प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जो माइग्रेशन हुआ है उसके लिए क्या कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आपको फिर से लगाना है। इस बार मैं कंडीशन आपको कुछ ऐसी देता हूँ, बस मैं आपको सिचुएशन दे देता हूँ, आपको माइग्रेट सोचना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है दोस्त, अगर आपको माइग्रेशन करने आ गया तो आपका क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो गया। अगर आपको माइग्रेशन करने आ गया ठीक है, अब आप बस ये सोचना है कि किसका माइग्रेट होना चाहिए, किस में हमारी मार्विन रिएक्शन फॉलो हो रही है, ठीक है। हाँ, आपको क्या लगता है किसका होना चाहिए? देखो मन में एक सवाल है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ। अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि दोस्त सी का होना चाहिए तो आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने बहुत बार बताया है ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ठीक है। जबकि आपको पता है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है इसके अंदर जब भी डोनेट करने की बात आती है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए दोस्त अपन लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन टेंडेंसी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें 3 अल्फा हैं जबकि यहाँ पे 0 अल्फा है। तो दोस्त माइग्रेट इसमें सी नहीं ए करेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। बच्चों के मन में होता है अबे 3-3 मिथाइल ग्रुप लगा उठा के, बहुत क्राउडिंग होगा, उठा के माइग्रेट करा दो या दिखने वाले हैं वो, ठीक है। कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं है, डेली लाइफ का फंडा है ये। बाकी आप इसका माइग्रेट करा ही चुके हो, ये बेचारा वैसे का वैसा चुपचाप वहीं बैठा रहेगा बेंजीन वाला, ठीक है। इसके बाद आप जो भी अटैक कराओगे आपका अटैक होता चला जाएगा। मतलब मेरी बात की गहराई को आप समझ पा रहे हो कि मैं आपसे क्या करवाना चाह रहा हूँ, है ना। ओके, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। जो असल में हमारे साइंटिस्टों को सबसे पहले दिखाई दिया था वो कुछ ऐसा था, सपोर्ट दीजिएगा। साइंटिस्टों को शायद कुछ ऐसा दिखाई दिया था, मतलब इसको जो है मुझे कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है। यहाँ से हमको यहाँ की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से माइग्रेशन लगे हैं, किस किस तरह का प्रोसेस लगा है, थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या माइग्रेशन हुआ है, कैसे कैसे माइग्रेशन हुआ है। बस इसको दोस्त यहाँ कर लेना, तो आइए। साइंटिस्टों को इसके बारे में स्टडी करनी थी, इसके बारे में देखना था कि कैसे और कहाँ माइग्रेशन हुआ है। तो जो सबसे पहले उनको दिखाई दिया होगा, नो डाउट स्टार्टअप उन्होंने कुछ ऐसी ली होगी, यहाँ पैच आ गया होगा, कार्बोकटाइन दोस्त यहाँ बन गया होगा, कार्बोकटाइन दोस्त यहाँ बन गया होगा, यहाँ पे आपका मिथाइल, ये वैसे का वैसे और कार्बोकटाइन यहाँ आया, ठीक है। ये कुछ नहीं है यार, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट, सपोर्ट दीजिएगा, मुझे इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करना है। अब देखो जब मुझे दोस्त इसको शिफ्ट करना है तो असल में कह सकता हूँ कि यहाँ वाले बॉन्ड को तोड़ूँ तो नेगेटिव चार्ज लाऊँ, है ना, और वहाँ पॉजिटिव चार्ज लाऊँ, लेकिन इसको लिखूँगा मैं कुछ ऐसे, देखो
ये वैसे का वैसे है ना, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये बॉन्ड मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस बॉन्ड को तोड़ चुका हूँ, यहाँ एक बॉन्ड बनी है, ठीक है, ओके। और कह सकते हो आप इसको एक बार नंबरिंग करके ही कर लो, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कार्बोकैटायन यहाँ कहीं पहुँचा हुआ है, ठीक है, और इसका लिंकिंग कुछ इस तरह है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ पे मिथाइल है। और दोस्त दोस्त बहुत आराम से इसका इंटरेक्शन इसके साथ करा देंगे, तो ये इंटरेक्शन कुछ ऐसे है। कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई है, तुम चाहोगे तो मैं नंबरिंग भी कर सकता हूँ दोस्त। देखो ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये छः है, और थोड़ी देर के लिए मेरा साथ है, सपोर्ट देना दोस्त। यहाँ पे तुम्हारा साथ था, यहाँ तुम्हारा एक था, यहाँ तुम्हारा दो था, यहाँ तुम्हारा तीन था, अब ये पाँच हो गया और चार कुछ यहाँ आ गया, पाँच के बगल में छः है, मैंने तीन और पाँच का बॉन्ड बना दिया है, ठीक है। मैं चाहूँ तो उसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, अगर आप परमिशन दें तो, ध्यान दीजिएगा मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूँ, यही सबसे खासियत चीज़ है, समझने लायक है, समझने लायक है, बंदे ने और कुछ नहीं थोड़ा सा मूवमेंट करके लिखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो लगे हैं, तो ये आपका सेवन है, एकदम साथ साथ चलिएगा। सात जो है वो एक के साथ भी कनेक्टेड है और तीन के साथ भी कनेक्टेड है ना, सात जो है वो एक के साथ भी कनेक्टेड है और तीन के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये सात है, ये सात है, ये एक है, ये चार है, ये तीन है, ये पाँच है, ये दो है, तो सात के बगल में दोस्त एक काम करते हैं, ये एक कर देते हैं है ना, यहाँ कहीं दो कर देते हैं, यहाँ कहीं तीन कर देते हैं, ये मेरा चार, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा पाँच है और ये मेरा छः है, ठीक है। देख सकते हो कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, मैंने एकदम आपके सामने रखा है, दो को ऊपर रखा है, दो के साथ एक जुड़ रहा है, तीन जुड़ रहा है, देखो एक जुड़ रहा है, तीन जुड़ रहा है, सात के साथ क्या जुड़ रहा है आपके साथ, एक जुड़ रहा है, चार जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, चार जुड़ रहा है, पाँच और छः। तो मैंने कुछ इसको ऐसे लिखना है दोस्त, एक बार दोबारा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पे मिथाइल और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। अब जो साइंटिस्टों को नजर आया था, अब मैं इस मी को CH3 लिख दे रहा हूँ आपकी और अपनी कन्वीनियंट के लिए, सो दैट मैं आपको समझा सकूँ। CH3 कुछ ऐसे था, आप CH3 को आप CH2H भी लिख सकते हो, और चाहो तो यहाँ से आप H+ बाहर करो, और जैसे ही आप इसको यहाँ से H+ बाहर करोगे तो दोस्त हम यहाँ पहुँचेंगे और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वैसे का वैसे, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना था इसी प्रोडक्ट को हमने कैम्फीन कहा था, ठीक है, और यही साइंटिस्टों को पहली बार ऑब्जर्व हुआ था, ठीक है। आप JEE के स्टूडेंट हो तो आपको इस बात से मतलब नहीं है, बस आपको हाँ ये एग्ज़ाम में आ जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इसको H+ में रिएक्ट कराएंगे और हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। बहुत बहुत फेमस JEE में आती है रिएक्शन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और भी करा देता हूँ, बस मेरा मोटिव आपको समझाना था कि कैसे अपन लोग माइग्रेशन एप्टीट्यूड को समझते हैं। एक बार जब माइग्रेशन एप्टीट्यूड आपको समझ में आ गया तो दोस्त क्वेश्चन तो यूं हिल जाना है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मेरे सामने और अच्छा रखा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा सपोर्ट करोगे इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है उसने, CH2 यहाँ पे दे रखा है OH, ठीक है, और यहाँ पे H+ डाल रखा है, हीट दे रखी है, और आपसे प्रोडक्ट की उम्मीद कर रहा है। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। इतना तो मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें इसका गुलगुल करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आओगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आओगे, ठीक है ना।
अब देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है बस तुम्हें, कि तुम्हें इसको माइग्रेट कराना है। कुछ नहीं है दोस्त, 5 की रिंग है आपको दिख रही है, अपने आप मैं इसको अल्फा बीटा गामा करके बॉन्ड को तोड़ूंगा। ये मेरा लेट सपोज अल्फा है, ये लेट सपोज बीटा है। अब मैं तोड़ नहीं रहा दोस्त, समझ जाओगे कि ये रिंग यहाँ पहुँच जाएगी, 5 की रिंग 6 में हो जाएगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ अगर तुम्हें नाराज़गी ना हो? 5 की रिंग दोस्त 6 में पहुँच गई है ना, और कुछ कुछ डबल बॉन्ड यहाँ, ये वैसे का वैसे डबल बॉन्ड, कुछ ऐसे कह सकते हो कि इसको आप थोड़ा स्वैग में लिखना चाहो तो बहुत बहुत आराम से आप इसको ये लिख सकते हो। चल बे, ये कुछ ऐसे, ये आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे अपन लोग क्या बना रहे हैं। ये तीनों रिंग एरोमेटिक हैं, तगड़ी एरोमेटिक हैं, तो आप इसका प्रोडक्ट ये बना रहे हो। इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन की सोच को हमको देखना है कि क्वेश्चन हमको किस डायरेक्शन पे सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, ये सामने रखा है क्वेश्चन, कुछ ऐसा दे रखा है, इसने एक 5 की रिंग यहाँ दे रखी है, एक 5 की रिंग यहाँ दे रखी है दोस्त, और एक 5 की रिंग दोस्त यहाँ दे रखी है। इसके अलावा उसने एक OH यहाँ दिया है, इसने एक OH यहाँ दिया है, इसने एक OH यहाँ दिया है, H+ के साथ हीट करके दिया है, और प्रोडक्ट की उम्मीद कर रहा है आपसे, ठीक है। आपको दिमाग लगाना है इसमें कैसे वेगनर मार्विन रिएक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है, कैसे वेगनर मार्विन रिअरेंजमेंट फॉलो हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतनी तो बात आपको पता ही चल चुकी होगी कि यहाँ लाऊंगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, गुल्लू गुल्लू करते हुए कंडीशन दोस्त पहले बात की यहाँ आएगी है ना। इसके बाद तुम माइग्रेट करना जानते हो, रिंग को एक्सपेंड करना जानते हो, ठीक है। हमने बहुत बार इस पे डिस्कशन किया है, बहुत बार, ठीक है। अब आपको पता है कि सर कुछ नहीं करने वाले, जिस पे लगे हैं अल्फ़ा, ये लगा है बीटा, ये लगा है गामा, अल्फ़ा और गामा की सर दोस्ती करा देंगे है ना। इसके लिए भले ही अल्फ़ा और बीटा का बॉन्ड सर को ब्रेक करना पड़ जाए है ना। अब अल्फ़ा गामा की दोस्ती कराने के लिए मुझे इस बॉन्ड को तोड़ देना चाहिए, गामा दोस्त यहाँ पे है सॉरी है ना, तो ये मैं इस बॉन्ड को तोड़ने की उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं तोड़ूँ और इसका इंटरेक्शन इससे कराऊँ। अब आप लॉजिक सोचो कि इंटरेक्शन के लिए 5 की रिंग है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप 5 की रिंग अपने आप 6 में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, और 6 में कन्वर्ट करने के बाद कुछ ऐसे चले आओगे, एक दो तीन, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, केमिस्ट्री है, थोड़े से डायग्राम डिस्टर्ब करते रहते हैं, ये एक है, ये दो है, इधर से 3 हो गई, इधर से 4 हो गई, इधर से 5 हो गई, ये 6 हो गई, ठीक है। डबल बॉन्ड एक बार तुम डबल बॉन्ड यहाँ जरूर ले आओगे क्योंकि H+ आएगा। यही हादसा दोस्त यहाँ से भी करोगे क्या? 5 की रिंग फिर तुम्हें यहाँ मिलेगी, ठीक है, मैं दोबारा तो नहीं करूँगा, आपका समय बचना चाहिए, ठीक है। ये 5 की रिंग है, ऐसे दो बार नहीं, असल में आपको ऐसे 3 बार करना होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक बार यहाँ घुमा लोगे, एक बार यहाँ घुमा लोगे, ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे तो क्या इसका फाइनल आंसर मुझे ऐसे लिख देना चाहिए क्या कि यहाँ पे भी 6 की रिंग, यहाँ पे भी 6 की रिंग, और यहाँ पे भी 6 की रिंग? ठीक है, मतलब तीनों जगह आपकी 6-6 की रिंग बननी चाहिए है ना, कुछ समथिंग लाइक 6-6 की रिंग हर जगह आपको ऑप्टेन होते हुए दिखाई देगी और आपका इसका आंसर समथिंग लाइक कुछ ऐसे आ जाएगा। तो और कुछ नहीं, 5 की रिंग को 6 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हम बहुत बार किए हैं,
कुछ नया अपन लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको करा दूँ, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे पास, अभी मैं दिखाता भी हूँ आपको। ये आपके सामने H प्लस है और आपसे प्रोडक्ट की उम्मीद कर रहा है। ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप इसको ट्राई करिएगा। कुछ दोस्त ऐसे आ जाएगी क्या, कार्बोकटाइन यहां पहुंच जाएगा, और इसके बाद यहां पे 1.2 मिथाइल शिफ्ट टाइप हो जाएगा। जब 1.2 आप मिथाइल शिफ्ट कर लेंगे दोस्त, तो कहानी को आप यहां पहुंचा देंगे। और फाइनली इसके बाद आप डबल बॉन्ड भी बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप ये कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल टाइप क्वेश्चन थे ये, हमारे वेगिनर मार्विन रिएक्शन है। इसके अलावा अपन लोग ने पिनाकॉल पिनाक्लिन पढ़ा है, वहाँ पे अपन लोग इसके रीअरेंजमेंट को देखते हैं। मैंने बहुत बार इसके टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। आइए दिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हमने बहुत बार किया है, देख सकते हैं। ये अभी इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, देख सकते हैं। ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत बार रिंग एक्सपेंशन हुआ है, कुछ नहीं किया है इन्होंने। तीन की रिंग को चार में ले गए, तीन की रिंग को चार में ले गए। अब देखो यहाँ पे जो तीन की चार में ले गए, यहाँ पे कहीं डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए तीन की रिंग चार में गई है, ठीक है। तो दोस्त स्टार्टअप इसका कुछ ऐसे हुआ होगा कि पिक कलर ये चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। कार्बोकटाइन यहाँ आया होगा, लोन पर यहाँ था, कार्बोकटाइन यहाँ पहुँचा होगा। जैसे कार्बोकटाइन यहाँ पहुँचा होगा, तो फिर देखो जिस पे कार्बोकटाइन, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। आप अल्फ़ा और गामा की बॉन्ड चाहते हो, तो गामा पे दोस्त नेगेटिव ले आना, बीटा पे दोस्त पॉजिटिव ले आना, और इसके बाद ये तीन की जगह चार की रिंग आ जाएगी। जैसे चार की आएगी तो पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। फिर एक बार जैसे चार की आ गई, तो फिर इसके बाद मौका इसको मिलना चाहिए, 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 और मिलते मिलते हम एक ऐसी सिचुएशन पर आ जाएंगे कि फाइनली मेरे पास कुछ यहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद आप पानी डाल सकते हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त, ठीक है। जेई एडवांस में इस क्वेश्चन को अपन लोगों ने ऑब्जर्व किया है दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा, आप रिंग एक्सपेंशन कराइएगा। कभी कभी जेई में पूछता है कि भाई कितनी बार तुमने रिंग एक्सपेंशन की, साफ साफ दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 रिंग है, तो 5 बार हमने ऐसा किया है, ठीक है, 5 बार हमने रिंग एक्सपेंशन किया है, ओके। उसके बाद हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, तो रिंग एक्सपेंशन 5 बार हुआ, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। ये देख सकते हैं, ये पिनाकॉल पिनाकोलिन है, मैंने बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ इसको, पिनाकॉल पिनाकोलिन रिएक्शन है। पीछे आप एक बार मेरी नेम रिएक्शन की सीरीज़ में जाना, तो वहाँ पे अपन लोग ने पिनाकॉल पिनाकोलिन को पढ़ा है, ठीक है। आइए देखते हैं हुआ कैसे होगा। ये आपको पता है दोस्त, पहले एच यहाँ गया होगा, कार्बोकटाइन यहाँ आया होगा, इसके बाद ये रिंग एक्सपेंड हुई होगी, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा करके ये रिंग एक्सपेंड हुई होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचा होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना ज़रूर आ गया होगा, हमने पहले किया है दोस्त, आपको उम्मीद करता हूँ कराने की आपको ज़रूरत नहीं समझता मैं, कहिए तो एक बार आपको मैं दिखा दूँ, चूँकि आप ऑलरेडी इसके समझदार हो। ये आपके पास H प्लस आएगा, ये आपके पास लोन पेयर इंटरेक्शन, ये आपके पास कुछ ऐसा, यहाँ पे कार्बोकटाइन आएगा। थोड़ा बस वही ध्यान से दिमाग लगाना है आपने, इस पे अल्फ़ा ले लीजिए, ये बीटा ले लीजिए, ये गामा ले लीजिए। आप अल्फ़ा और गामा की दोस्ती कराना चाहते हैं, मतलब बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे दोस्त, जैसे ही आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, तो ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो ही रहा है, ये वैसे का वैसे, और यहाँ पे चार वैसे का वैसे, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा,
इसके बाद कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड आपको यहाँ बना देना है, ठीक है। ये लोन पर बैक बॉन्डिंग की हेल्प से इंट्रैक्शन दिखाएंगे, पहले ही आपसे इस पर डिस्कशन हो चुका है, तो मैं आप सोच रहा हूँ क्यों आपके साथ डिस्कशन करूँ, ठीक है। ये पाँच की रिंग टाइप बन जाएगी और चार की रिंग कुछ यहाँ पे ऐसी आ जाएगी, तो देख सकते हैं ये ऐसे आया हुआ है, एग्जैक्टली वैसे आया हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। हाँ, इसके बाद की कहानी समझी जा सकती है। इसके बाद की कहानी ये कह रही है कि इसमें LiLH4 पड़ा है दोस्त। तो LiLH4 क्या करता है, कीटोन को रिड्यूस कर देता है, इसने रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में, फिर से उसने H+ डाला है, तो नो डाउट देखो अब ये चार है, फिर से यहाँ पे कार्बोकैटायन आया होगा। अब देखो यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये पाँच की रिंग है, ये चार की रिंग है, ये अपने आप फिर से एक्सपेंड होके इसमें कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है, ठीक है। फाइनली ये अब कर लोगे ना भाई, ये पहले यहाँ गए होंगे, फिर ये कार्बोकैटायन आया, कार्बोकैटायन आने के बाद ये रिंग इसमें कन्वर्ट हो गई, तो ये पाँच की है ही है, ये चार की और ये चार वाली पाँच में कन्वर्ट हो गई। इस सिचुएशन पे हम आके अटके हैं और उसके बाद हमने डबल बॉन्ड बना दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार JEE में क्वेश्चन ऐसे टाइप के पूछ सकता है। मेरा बस ओवरऑल मोटिव इस सीरीज़ को बताने का है, इस नेम रिलेशन को बताने का है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई अपन लोग मार्विन रिअरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और यही इसकी खासियत है, ठीक है। आइए एक आध क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ मार्विन रिअरेंजमेंट, वैगनर मार्विन रिअरेंजमेंट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि भाई द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व अ कार्बोकैटायन रिअरेंजमेंट, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे WMR रिअरेंजमेंट हो रहा है, शायद कुछ दोस्त पढ़ नहीं पा रहे होंगे, पढ़ लेता हूँ। द कार्बोकैटायन इज जनरेटेड बाय द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हुआ है। द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गई है। इनमें से पूछ रहा है किस किस कार्बोकैटायन का माइग्रेट हुआ है, इसी के बाद डीप्रोटोनेशन हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वो ले आके खड़ा कर दिया है, अरे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है दोस्त, वो मेरा अल्फा, मुझे किस रिंग को एक्सपेंड करना है, तो देखो छः वाली को तो नहीं एक्सपेंड करूँगा ना यार, ये मेरी छः वाली, ये चार वाली है, एक्सपेंशन मुझे किसका होना चाहिए, चार वाली का होना चाहिए, सॉरी ये चार नहीं दोस्त, ये पाँच है, हार्डली सॉरी पाँच की रिंग है, तो पाँच वाली रिंग का एक्सपेंशन होना चाहिए छः में। अब पाँच वाली का छः में होना चाहिए, तो यार इस लिंक से मतलब है ना, मतलब बी और ए से तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगी ना, तो ये ऑप्शन को तो पहले हटा दो, कुछ है ही नहीं इस ऑप्शन में। अब बचता है सी और डी का, लॉजिक एकदम लॉजिक चलना, क्योंकि तुम्हें ये पता चल चुका है कि सर अब इनमें से आंसर कोई एक होगा, चाहे सी होगा चाहे डी होगा, है ना, क्योंकि ए और बी में तो उसी रिंग को तोड़ रहे हैं, वाह मतलब कुछ भी, तो ये अल्फा है, यहाँ तुम्हारा बीटा हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा गामा हो जाएगा, तुम क्या चाहते हो कि अल्फा गामा का बॉन्ड बने, तो भाई कार्बोकैटायन यहाँ पे कैसे आ सकता है डी वाली पोजीशन पे, नहीं तुम्हें तो ये वाली बॉन्ड तोड़नी है ना, बीटा और गामा वाली, लॉजिक समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। तो ओवरऑल कौन सी बॉन्ड को तोड़ोगे तुम, सी वाली बॉन्ड को तोड़ोगे, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी, तो ये भी आंसर खराब हो गया। ओवरऑल अपन लोग ने जो मार्विन रिअरेंजमेंट पढ़ा है वो उसके डेप्थ में जाके सवाल पूछ रहा है कि कौन सा कार्बोकैटायन आपको रीअरेंज करना चाहिए टू अचीव द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ये इसका ड्राइविंग फोर्स भी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या करवा रहा हूँ, है ना। चलिए बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा क्वेश्चन पे। ये जितने एग्जांपल मैंने लिए हैं ये अपने मार्विन रीअरेंजमेंट पे लिए हैं, ठीक है, सपोर्ट करिएगा इसका क्या आंसर हो सकता है, दिमाग लगाना है, जल्दी नहीं मचानी, ठीक है। मैं इतना मान के चल रहा हूँ दोस्त कि तुम यहाँ पे लोन पर तुम्हें दिख रहा है इस सल्फ्यूरिक एसिड का H+ दिख रहा है, कार्बोकैटायन को यहाँ ले आओगे, उम्मीद करता हूँ कि तुम कार्बोकैटायन को यहाँ ले आओगे और सिचुएशन कुछ हम और तुम मिल के ऐसी टाइप बना लेंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना लेंगे, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब एक तरीका है कि यही डबल बॉन्ड मार दे तो आंसर अपना डी आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना। आपको करना क्या चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा बुद्धि लगा के इसकी रेजोनेंस करानी चाहिए, रेजोनेंस जब कराएंगे तो हम फाइनली यहाँ पहुँचेंगे। मैं एक बार रेजोनेंस करा के यहाँ पहुँच जाता हूँ,
ए ई एस है। डबल बॉन्ड दोस्त यहाँ आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड दोस्त यहाँ आ जाएगा, है ना, कार्बोकटाइन दोस्त यहाँ पहुँच जाएगा और ये ऐसे है। बहुत ही हौले हौले, बहुत ही हौले हौले हमको ये काम करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास H है, ठीक है। आप चाहें तो एक बार माइग्रेशन और दिखा सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं माइग्रेट करके और डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हैं। ओवरऑल जैसे ही आप करेंगे तो क्या कुछ ऐसी टाइप की फ़ोटो बनते हुए नज़र आ रही है आपको, ऐसी टाइप की फ़ोटो बनते हुए नज़र आ रही है आपको कि यहाँ पे कुछ माइग्रेट होते हुए नज़र आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे एक माइग्रेशन इसका है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है माइग्रेट करने के लिए, तो आपको इस ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा। ये माइग्रेशन हुआ, कार्बोकटायन दोस्त यहाँ पहुँचा, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। अब यहाँ से जो है आप H को बाहर निकाल दो। जैसे ही दोस्त आप H को बाहर निकालोगे तो पिक्चर कुछ ऐसी आ जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा। कौन सी ऐसी रिंग आपको दिख रही है? देखो ये तो बेकार आंसर है, इसमें इसमें यहाँ पे क्या किया इसने, रिंग को इधर डबल इधर शिफ्ट कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। रिंग में मिथाइल है, एक बचता ए, एक बचता सी। अब ये इसके बाद डायरेक्ट लगा है, ये वन नंबर ही टू नंबर, देखो ये वन नंबर ही टू नंबर, यही आंसर हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर पे आ रहा है, मतलब दो बार शिफ्ट हुआ होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरी बात पकड़ पाए आप? बहुत सिंपल सवाल था। पहले आपने एक बार क्या किया, कार्बोकटाइन लाया, रेजोनेंस कराया, यहाँ पहुँचे और स्टेबल कार्बोकटाइन बनाने के लिए आपने यहाँ पहुँचे, क्योंकि इसको एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, या यूँ कहूँ एरोमेटिसिटी मिल जाए तो आइसिंग ऑन द केक। अब यहाँ पे आपके पास कुछ था नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपने यहाँ पे माइग्रेट कराया किसको, इथाइल वाले को। जैसे ही आपने इस इथाइल वाले को माइग्रेट कराया, कार्बोकटाइन यहाँ पहुँचा दोस्त, और उसके बाद आपने हीट करके डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पहुँच गए। तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली अटेम्प्ट किया जा सकता था, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कहाँ कहाँ आप अपनी मार्विन रिरेजमेंट लगती है, कैसे कैसे मार्विन रिरेजमेंट लगती है, यूं प्रोडक्ट बनेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। आइए अब सवाल ये वाला करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल को समझने से पहले एक बात का ख्याल रखना है आपने दोस्त, इसकी खासियत क्या है सवाल की, जो बच्चे मेरे मिस्टेक करते हैं मुझे पता है वो क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको पर्सनल बता देता हूँ। मेरे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं सुनना, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा डबल एच प्लस है, ये एच प्लस इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को छेड़ा छेड़ी करेगा या इसको छेड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ेगा या OH को तोड़ेगा। अगर उसने ओ पे गया तो कार्बोकटाइन यहाँ आएगा, है ना, और अगर उसने डबल बॉन्ड को तोड़ा तो कार्बोकटाइन यहाँ कहीं आएगा। तुम लॉजिकली सोचो दोस्त, तुम्हें किस रिंग का एक्सपेंशन कराना चाहिए। अंडरस्टूड है, तुम्हें ये दिख रही है चार की रिंग, दिख रही है चार की रिंग, तुम्हें एक्सपेंशन चार की रिंग का कराना है, कराना है ना, तो तुम कार्बोकटाइन चार पे लाके खड़ा कर दोगे। चार की रिंग का एक्सपेंशन कराना है और चार पे कार्बोकटाइन लाके खड़ा कर दें, अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है। इसलिए कभी भी ऐसा मत करना कि इसके लोन पेयर को यहाँ लाके खड़ा कर देना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये जो H प्लस है ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ना कि इस ऑक्सीजन पे वहाँ पे आके कार्बोकटाइन बनाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही सबसे रिएक्शन की पहली मिस्टेक होती है, बच्चे स्टार्टअप ही रॉन्ग लेते हैं, एक्चुअली उनके दिमाग में भरा होता है OH दिख रहा है, H मार दो भाई साहब। अरे यार ये भी तो सोचो कि हमारा वैगनर मार्विन ने बोला क्या था, मार्विन रिरेजमेंट होता क्या है, वो तो यही बोलता है ना, मुझे ड्राइविंग फोर्स चाहिए मोर स्टेबल कार्बोकटाइन की तरफ। अब तुम खुद सोचो यार, तुम चार की रिंग को एक्सपेंड कराना चाह रहे हो और उसी पे कार्बोकटाइन लाके खड़ा कर दोगे, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। यहीं पे मार्विन काम करता है, वहीं पे आपको सीखना है कि कहाँ पे मार्विन का एप्लीकेशन काम आ रहा है। मेरा हमेशा मकसद ये रहता है कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो उसके एप्लीकेशन के साथ आपको वाकिफ करता जाऊँ कि हाँ यार देखो आप ये मिस्टेक करोगे, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एंड दीज आर द कॉमन मिस्टेक जो हर बच्चा करता है,
और हम उसको रोकते हैं। बट प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट वाला कंसेप्ट है दोस्त, है ना। मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, बच्चे तुरंत बी तरफ पता नहीं क्यों सोचते हैं टिक करने की, क्योंकि वो OH पे अटैक लाते हैं, जबकि दूर दूर तक ये आंसर नहीं हो सकता। चार की रिंग चार पे पड़ी रहेगी यार, लॉजिक नहीं बनता, है ना। चार की रिंग को पाँच पे जाना ही बना है। मतलब इसको मैं कुछ स्टार्टअप ऐसे लेता हूँ कि मैं कार्बोकैटायन यहाँ लाऊँ, इससे मुझे रिंग का एक्सपेंशन मिल सके। अब कार्बोकैटायन यहाँ लाने का मतलब मैं बॉन्ड को दोस्त कुछ ऐसे तोड़ूँ, है ना, सो दैट यहाँ नेगेटिव आए, यहाँ पॉजिटिव आए और ये H यहाँ चला जाए। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें ये मेरी बात समझ में आई होगी कि मैंने इस डबल बॉन्ड को क्यों छेड़ा। नहीं तो मैं चाहता तो मैं कुछ ऐसा कर सकता था, ठीक। एक आध जगह बॉन्ड मिस्टेक हो जाए दोस्त, नाराज मत होना, ठीक है। ओके, अब देखो अब ये बॉन्ड ऐसे तोड़ो, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। इस पे देखो दो फायदे होंगे, एक तो ये रिंग एक्सपेंड होगी और बाद में पता है दोस्त बैक बॉन्डिंग मिलेगी। और तुम्हें पता है बैक बॉन्डिंग से बनने वाला कार्बोकैटायन, मैंने ना जाने कितनी बार बोल दिया होगा कि कायनात में सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अगर कहीं से तुम्हें चाहिए, तुम्हें मिल जाए, तो वो है बैक बॉन्डिंग कार्बोकैटायन। मतलब सारी मार्विन अरेंजमेंट की स्टेटमेंट ट्रू होती जा रही है अपने आप, ठीक है। चार की रिंग तुम्हारी पांच में आ जाएगी दोस्त, ये वैसे का वैसे, है ना। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोचो, डबल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और ये रिंग ऐसी थी और तुमने इसके साथ इसका इंटरेक्शन कराया। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें ये बात समझ में आई होगी कि दोनों तरफ पांच की टाइप रिंग बन गई, है ना, दोनों तरफ पांच की टाइप रिंग बन गई, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। कार्बोकैटायन यहां कहीं पहुंचा है दोस्त। बस अब तो क्वेश्चन तेरा समाप्त हो गया, अब तो तुरंत तेरे को ड्राइविंग फोर्स मिल गई, बैक बॉन्डिंग मिल गई, डबल बॉन्ड अपने आप सीधे तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया कि आ भैया मुझसे दोस्ती कर ले, और हम डबल बॉन्ड को यहाँ टाइप कुछ ले आए। मतलब लगभग इसमें से कौन सा टाइप आंसर लग रहा है? देखो ये इन नालेगों ने डबल बॉन्ड उसी पे रिंग वैसी पे हो नहीं सकता, है ना। और एक बार ए और डी में नज़र मारो तो देखो ये नंबरिंग कर लो, एक दो तीसरे नंबर पे है, और यहाँ जो हमने सॉल्व किया है वो एक और दूसरे नंबर पे सॉल्व किया है, तो ये भी नहीं हो सकता, अपने आप ए आंसर हो गया। क्वेश्चन की ब्यूटी को पकड़ पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि मैंने क्या क्या सोच के काम किया, और कुछ नहीं, सिर्फ वैगनर मार्विन अरेंजमेंट लगाया, कुछ नहीं किया, पूरे मैकेनिज्म में कुछ नहीं किया, वैगनर मार्विन लगा के क्वेश्चन खत्म किया, सॉल्व किया, आंसर लाने की कोशिश की। आप भी ऐसी करो यार, मेरी बात पकड़ पा रहे हो, है ना। उम्मीद करते हैं, आओ इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ओ है, ट्राई कर लोगे तो बहुत मजा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे लगेगा कि हाँ यार मेरा पढ़ाया हुआ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। क्या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे? मैं इंतज़ार करूँ कि आपका कमेंट बॉक्स में इस आंसर के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ठीक है। रिप्लाई ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ओके, हिंट देते जाता हूँ कि भाई आप इथर वाले कंडीशन पे हो, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड तोड़ोगे तो इथर माइग्रेट करेगा और आपके सामने पिक्चर कुछ खुलेगी, आप एक बार ट्राई करना, देखना कि क्या बन रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, हमसे लाइव कनेक्ट होने के लिए दोस्त, आपको हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप हमसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन आपको लाइव का जो मज़ा है उसका एकदम अलग मज़ा है, ठीक है।
तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो के अलावा जो अभी आपको लाइव मिलेगा, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे फ़ायदे हैं हमारे भी इस ऐप को डाउनलोड करने से। ठीक है, आप हमारे डायरेक्ट प्लस सब्सक्रिप्शन पे चले जाओगे। आपको प्लस में क्या क्या बेनिफिट हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको लाइव क्लास का मौका मिलेगा, लाइव में भी डेली लाइव, डेली बोले तो मंडे टू संडे 24। ठीक है, आप जब चाहो आप पढ़ सकते हो, सुबह करीबन 6 बजे से जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्लास शुरू होती है और रात के 12 बजे तक क्लास चलती है। दुनिया की इसके बड़ी कोई कोचिंग नहीं होगी जो सुबह 6 बजे खुल जाती होगी और रात के 12 बजे तक चलती होगी। और डेली लाइव तुम्हारी कैपेसिटी पर डिपेंड है कितना तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास का बहुत बड़ी बात होती है यार। ठीक है, वहाँ पे तुम बिंदास होके जो भी तुम्हें डाउट्स हैं, उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको सारे डाउट रिमूव कराए होंगे, किए होंगे, फिर भी अगर आपको कोई और डाउट आता है आप लाइव ले सकते हो हमारी क्लास। ठीक है, इसके अलावा लाइव में हम अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग के दौरान हमको दोस्त ये पता चल जाता है कि कौन सा बच्चे ने क्या, कितने परसेंट बच्चों ने एक सवाल को सही किया, कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है। ठीक है, इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपने देखा कि अपन लोग ने जब मार्विन रीअरेंजमेंट पढ़ा तो रीअरेंजमेंट कुछ अलग टाइप का था और क्वेश्चन जब आया तो अलग लेवल का था। दैट इज़ एक्चुअली कभी भी एग्ज़ाम में ये नहीं बोलेगा कि भाई मार्विन रीअरेंजमेंट लिखे दिखा, उसका एप्लीकेशन तुझे पता होना चाहिए। और मार्विन रीअरेंजमेंट जगह जगह लग रही है, आपको भी पता है, तो उसके एप्लीकेशन को कैसे प्रैक्टिस में लाओगे, कहाँ से लाओगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट और लाइव क्विज दो। जब आप हमारे मॉक टेस्ट और हमारी लाइव क्विज को अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पे जो बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे वो आपको एक्सपीरियंस दिखाएंगे, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है। इट्स समथिंग लाइक वहाँ आप जितनी मिस्टेक करनी कर जाओ दोस्त, जेई के हॉल में एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ तभी आ सकता है जब आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना आपका फ़ायदा है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे, हमसे कनेक्ट होगे, तो आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ठीक है, थर्ड वन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, तो पहले आपको बता दूँ कि अनअकैडमी का जितने भी प्लान है सारे प्लान अपने आप एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर मैनर में होने वाले प्लान हैं। इसके पीछे प्रॉफिट, इसका पीछे फ़ायदा ये होता है दोस्त की प्री प्लानिंग हर चीज़ की ज़रूरी है। कितनी आपको DPP करानी है, कितने आपका मॉक टेस्ट लेने हैं, कितने माइनर टेस्ट होने हैं, कितने आपके मेजर टेस्ट होने हैं, किस किस कब कब क्लास होनी है, ये सारा प्री शेड्यूल होने से हम एक टाइम टेबल पे बने रहते हैं। इससे रिवीजन टाइम पे होता है, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस दोस्त। तो ये बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड कोर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट दैट इज़ ब्यूटी ऑफ दिस ऐप, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड एक्सेस। इन केस दोस्त अगर आप हमारी किसी रीज़न से लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आपको पहले तो रिकॉर्डेड क्लास देखने का मौका है। इसके अलावा आप प्लस सब्सक्रिप्शन किसी एक फैकल्टी का लोगे, ठीक है, लेकिन आप पढ़ एन नंबर ऑफ फैकल्टी से रह सकते हो। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है दोस्त, अनअकैडमी में एन नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ाते हैं, आपको 100 फैकल्टी से पढ़ना है 100 से पढ़ो, मतलब फिजिक्स 20 से, केमिस्ट्री 40 से, तेरी मर्जी। आपका टीचर, आपका सिलेक्शन, आपकी कंफर्ट जोन, आपकी टाइमिंग, इन सब का ख्याल रखा गया है इस अनलिमिटेड एक्सेस के दौरान। ठीक है, इसके अलावा माय डियर, अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ लॉन्च की है, बहुत यूनिक चीज़ लॉन्च की है, बहुत स्पेशल चीज़ लॉन्च की है। इसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाम ही से सोचो कितना अच्छा क्या चीज़ है। ये क्या है और ये कैसे हमारे प्लस से डिफरेंट है? देखो, पहले तो जितने प्लस के सारे प्रॉफिट मैंने आपको पीछे बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके पर्सनल कोच। कहते हैं कि किसी का अगर आपके सर पे हाथ हो तो बेड़ा पार है, ऐसे बोला जाता है। यहाँ पे वही काम, वही एग्जांपल सेट हो रहा है। पर्सनल कोच आपके जो एक्सपर्ट होंगे वो आपको हर पल मदद करते रहेंगे, आपके एग्ज़ाम को क्रैप करने में आपकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, आपकी मिस्टेक्स बताएंगे, आपका एक शेड्यूल बनवाएंगे, स्टडी प्लानिंग करवाएंगे, सब कुछ उनके हाथ में है और वो आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। बिकॉज यार एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, वो उनके पास अपना अच्छा एक्सपीरियंस है,
उनको पता है कि बच्चा ये टाइप की मिस्टेक्स करता है, तो उसको आपको पहले से अलर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट का एनालिसिस होना, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, टेस्ट देते तो सब बच्चे हैं, ठीक है, या तो देने से डरते हैं, और जो दे देते हैं वो उसका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। एनालिसिस से क्या समझते हो, तो यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चा आता है कहता है सर पेपर ना पूरा आता था बट छूट गया। मैंने कहा ये क्या था, क्या वो पेपर वालों से गलती हो गई, उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया तुम्हें, या तुम्हारी मिस्टेक है? बट ऑब्वियस यार तुम्हारी मिस्टेक रही होगी, है ना। हुआ यही होगा कि जिस सवाल में तुम्हें एक मिनट लगना चाहिए था तुमने वहाँ पे 5-10 मिनट लगाया होगा, और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो गया। और अगर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो गया तो अच्छा अच्छा बच्चा एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता। एक सवाल को आना एक अलग बात है, समय पे आके उसको सॉल्व करके टिक लगाना एक अलग बात है, ठीक है। सवाल तो सभी लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन टाइम का ही रोल है पूरा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट में जाइए, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए, और ये आप खुद नहीं रखोगे तो हमारे पर्सनल कोच आपको हेल्प करेंगे ऐसा करने में, ठीक है। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग, है ना, 50 बार टाइम टेबल बनाते हो, फाड़ते हो, बनाते हो, फाड़ते हो, लेकिन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि आपको टाइम टेबल ही ठीक नहीं होता है। आपका ग्राफ कभी इतना ऊपर कभी इतना नीचे से चलता रहता है, वेरिएबल ग्राफ होते हैं, कभी तो बहुत पढ़ लिया, कभी तो एकदम सो पढ़े हैं, आज सोए हैं नहीं पढ़े हैं। ये जो आपका जो एटीट्यूड टूवर्ड स्टडी है ना, वो जेई के लिए नहीं है। जेई के लिए एक पैशनेट होना चाहिए, अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए, पढ़ना है तो रोज़ पढ़ना है, और अपने ग्राफ को एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन बनाना है, मतलब रोज़ एवरी डे कॉन्स्टेंटली पढ़ना है, और वो आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप खुद तो करते हो लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हो, तो प्लानिंग में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कैसी मिस्टेक कर रहे हो, इसके लिए आपको हमारे पर्सनल कोच हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्त। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे इतने सारे प्रॉफिट्स जो मैंने आपको बताए, इन सब का फ़ायदा उठाने के लिए, हमारे प्लस कोर्स का प्लान लेने के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस पे करनी है दोस्त। हमारी जो 12 मंथ की जो फ़ीस है वो है 38,500, बट इसमें भी आपको हम इंस्टेंट 10% डिस्काउंट दे देते हैं, और ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये धीरेन DHIREN, ठीक है। आफ्टर दिस कोड माय डियर आपको जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650। आप चाहो तो इस अमाउंट को आसान किस्तों में भी पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हो, या आपके कोई छोटे भाई बहन क्लास 11th में हैं, तो आपको 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहिए। इसका अमाउंट दोस्त 56,000 है, इसमें भी आपको तुरंत 10% डिस्काउंट मिलता है, और अगेन इस डिस्काउंट के बाद आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो 50,400 हो जाएगा। सेम इसी डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको अगेन मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कोड है धीरेन DHIREN, ठीक है। आप इस अमाउंट को नो कॉस्ट EMI पे भी ले सकते हो। मैं बार बार EMI बताता हूँ तो आपको बता देता हूँ कि पर मंथ की EMI पड़ कितनी रही है दोस्त। पर मंथ की जो EMI पड़ रही है वो 2100 रुपये पड़ रही है। 2100 में दोस्त तुम्हारे सामने 3 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल मिला के 700 रुपये पर सब्जेक्ट पड़ रहा है। इतनी सारी फैसिलिटी 700 रुपये पर सब्जेक्ट में कौन देगा भाई मेरे? कौन सुबह की कोचिंग 6 बजे खुलेगी और रात के 12 बजे बंद होगी? नहीं, नहीं पॉसिबल है, बट हमारे यहाँ ऐसा होता है, ठीक है, ओके। आप ये सोच सकते हो कि सर मुझे 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहे हैं? बहुत बेसिक से एक बात बताऊँगा दोस्त, 3 सब्जेक्ट हैं PCM, इन तीनों सब्जेक्ट के अगर तुम चैप्टर का सम कर लोगे ना, तो तुम्हें 90+ चैप्टर्स मिलेंगे। 90+ चैप्टर को तुम खुद बता दो दिल पे हाथ रख के कि क्या वाकई सर मैं 6 महीने में 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा। अबे 3 महीने तक तो हवा नहीं लगती है, हो तो हुआ क्या है। साइंस में ये हाल होता है, जब बच्चा 10th से 11th में जाता है ना, हम अपन लोग ही पास आउट किए, पता ही नहीं चलता क्या हुआ 3-4 महीने तक। तो कोर्स तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, इसलिए बेकूफ़ी है 1 महीना 3 महीने और 6 महीने के लिए, बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्त अगर आपको हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि प्लस से थोड़ा सा अलग है, मैंने आपको बताया था इसके कुछ डिफरेंट बेनिफिट्स, कि आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, स्टडी प्लानिंग मिलती है, एक्सपर्ट्स गाइडेंस मिलती है, और टेस्ट एनालिसिस मिलती है। इसका जो अमाउंट 12 मंथ का है वो है हमारा 56,000, ओके। इसमें भी आपको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं, और आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000।
सेम अगेन आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं इस 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए, ठीक है। अगर यही चीज़ आप 24 मंथ में जाते हैं दोस्त, तो 24 मंथ का जो अमाउंट है वो है 86,000 और 10% अगेन आपको डिस्काउंट मिल के वो 77,400 हो जाता है। इस अमाउंट को भी आप बहुत आसान किस्तों में पे कर सकते हैं। डिस्काउंट अवेल करने के लिए अगेन मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, धीरेन DHIRE, ठीक है। बाकी दोस्त च्वाइस आपकी है, आपकी मर्जी है, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। माय डियर, मैं रोज़ लगभग रात के 9 बजे आपको मिलता हूँ, मेरी 9 बजे लाइव क्लास होती है, ठीक है, अपने अनअकैडमी ऐप पे, एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, ठीक है। वहाँ पे आपको DPP मिल सकती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको डाउनलोड कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख सकते हो और बहुत सारी मज़े की डिफरेंट सीरीज़ को इन्जॉय कर सकते हो। कहने का क्या सेंस है, मैं एक बूम बूम सीरीज़ चला रहा हूँ, आप उसको इन्जॉय कर सकते हो, मैं एक रैपिड फायर सीरीज़ चला रहा हूँ, आप उसको इन्जॉय कर सकते हो, मैं PYQ सीरीज़ चला रहा हूँ, आप उसको इन्जॉय कर सकते हो। बहुत कुछ नया आपको अलग लाता हूँ हमेशा, मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को कुछ नया सिखाऊँ, कुछ अलग सिखाऊँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप भी मुझे रात में 9 बजे लाइव मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्त, इतना पेशेंस रखने के लिए, इतना पेशेंसली सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मार्विन रीअरेंजमेंट की जो रिएक्शन है वो आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ पाए होगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बगल में वहाँ पे नोटिफिकेशन होगा उसको दबाना मत भूलना दोस्त, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार देना यार, ठीक है। और हाँ, इस कोड को ख्याल रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।